एक क्लासरूम की प्रस्तुति। बजट क्या है? वित्त वर्ष 2020-21 का बजट 1 फरवरी 2020 को पेश होने वाला है। बजट पेश होने से पहले लोगों के मन में बजट से जुड़ी कई प्रकार सवाल होते हैं, जैसे कि बजट क्या है, बजट का अर्थ क्या होता है और बजट कितने प्रकार का होता है। इन सब सवालों के जवाब हम आपको यहाँ पर देंगे। बजट पुराने फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है बस आगामी लेखा अवधि के लिए एक मात्राबद्ध वित्तीय योजना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बजट एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच व्यापार उतार को दर्शाने के लिए बजट लाइन का उपयोग करता है। अन्य शब्दों में बजट एक संगठनात्मक योजना है, जिसे मौद्रिक संदर्भ में कहा जाता है। अनुमानों की व्यवहार्यता के आधार पर बजट तीन प्रकार के होते हैं, संतुलित बजट, बैलेंस बजट, अधिशेष बजट, सरप्लस बजट और घाटे का बजट, डेफिसिट बजट। सरकारी बजट तीन प्रकार के होते हैं, परिचालन या चालू बजट, ऑपरेटिंग और करंट बजट, पूंजी या निवेश बजट, कैपिटल और इन्वेस्टमेंट बजट और नकदी या नकदी प्रवाह बजट, कैश एंड कैश फ्लो बजट। बजटों के मुख्य उद्देश्य एक अवधि के लिए और वित्तीय स्थिति के लिए आय और व्यय का एक यथार्थवादी अनुमान प्रदान करना। बजट में परिलक्षित अनुमानों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन की गई कार्रवाई की समन्वित योजना प्रदान करना। एक बजट भविष्य की योजनाओं और उद्देश्यों के आधार पर अनुमानित आय और व्यय का एक औपचारिक विवरण है। दूसरे शब्दों में एक बजट एक दस्तावेज है, जो प्रबंधन व्यवसाय के लिए अपने लक्ष्यों के आधार पर आगामी अवधि के लिए राजस्व और खर्चों का अनुमान लगाने के लिए बनाता है। बजट भविष्य की एक निश्चित अवधि में राजस्व और खर्चों का अनुमान है और इसका उपयोग सरकारों, व्यवसायों और व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। एक बजट मूल रूप से एक परिभाषित अवधि के लिए एक वित्तीय योजना है, आमतौर पर एक वर्ष। यह किसी भी उपक्रम की सफलता को बहुत बढ़ाता है। बजट विवरण एक निश्चित अवधि के लिए पूर्व निर्धारित राजस्व और व्यय का अनुमान है। यह भविष्य की वित्तीय स्थितियों को दर्शाता है और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। भारत का केंद्रीय बजट, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, भारत गणराज्य का वार्षिक बजट है। सरकार इसे फरवरी के पहले दिन पेश करती है, ताकि अप्रैल में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले इसे भौतिक बनाया जा सके। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग बजट निर्माण के लिए जिम्मेदार नोडल निकाय है। बजट डिवीजन सभी केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, स्वायत्त निकायों, डिपो और रक्षा बलों को अगले वर्ष के लिए अनुमान तैयार करने के लिए एक परिपत्र जारी करता है। बजट आपको यह जानने में सक्षम बनाता है कि आप क्या खरीद सकते हैं, अवसरों को खरीदने और निवेश करने का लाभ उठाएं और योजना बनाएं कि अपने ऋण को कैसे कम किया जाए। यह आपको यह भी बताता है कि आप अपने फंडों का आवंटन कैसे करते हैं, आपके पैसे आपके लिए कैसे काम कर रहे हैं और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए कितने दूर हैं, इसके आधार पर आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।